अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने लिए IRCTC के ऊपर में आईडी आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से आप अपने लिए घर से ही टिकट निकाल सकते हैं रेलवे के लिए। जी हाँ, आपको इसमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला, आपको फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा जो है वो आपको ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, और हाँ, तीसरा मैं सिर्फ सजेशन, तीसरा जो है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है वो, बस वो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपने आधार कार्ड में जो नेम है और जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, तो उससे जो भी इसके लाभ हैं, जो भी प्रॉफिट्स हैं, वो सारे का आप बेनिफिट उठा पाइएगा। तो दो चीज़ आपको तैयार रखना है, मोबाइल नंबर और फ्रेश ईमेल आईडी। दो चीज़ आप रेडी रखिए और इस वीडियो को फॉलो करते हुए जाइए तो आप सक्सेसफुली अकाउंट ज़रूर क्रिएट कर पाइएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर शुरू से आखिर तक देख लीजिएगा और आपको जो मैंने बताया कि फ्रेश मोबाइल नंबर और फ्रेश ईमेल आईडी होगा तो आप सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर पाइएगा। नहीं क्रिएट कर पाइएगा तब मुझे आप कमेंट करके कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, तभी आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। मैं हमेशा यही कहता हूं कि पहले आप एक बार वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लीजिए और दूसरी बार जब देखिए तो उसको आप अप्लाई करते हुए चलिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर पाइएगा, यानी आपको समझ में अच्छे से आएगा और साथ में आपका क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा। यानी पहली बार जब वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरी बार जब आप अप्लाई कीजिएगा उस चीज़ को जो आपने देखा है तो उससे बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से आप क्रिएट कर पाएगा। इसलिए मैं ये हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वैसे सिंपली मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा क्योंकि ये लगभग हर एक के फ़ोन में होता है। तो आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके का एक एप्लीकेशन नज़र आएगा, यानी एक एंड्रॉयड ऐप नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, या फिर आप किसी भी क्या बोलते हैं एप्पल के फ़ोन में या फिर किसी भी डिवाइस में आप हैं तो आप वहाँ पर सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए जहाँ से आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। ठीक, तो आपको इस तरीके से इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। तो मेरे पास में क्रोम ब्राउज़र है तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो आपको भी क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। जी हाँ, सर्च बार में आपको सर्च करना है IRCTC, आपको ये सर्च करना है, या फिर आप यहाँ पे भी सिंपली टाइप कर सकते हैं IRCTC। जैसे आप इसको सर्च कीजिएगा तो आपके पास में पहला वेबसाइट आपको जो नज़र आएगा वो रहेगा IRCTC.co.in। आपको इसके ऊपर में विजिट करना है, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एक पॉपअप यहाँ पे नज़र आएगा। अगर आप जिस टाइम पे COVID-19 चल रहा है तो ये COVID-19 के टाइम पे आपको कुछ इस तरीके से अलर्ट आएगा। तो आप इस अलर्ट को एक बार रीड कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। समझने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ओके का बटन है, आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। ओके के बटन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट साइड में एक नज़र आ रहा है, एक घंटी का सिंबल है, दूसरा जो है एक अवतार का सिंबल है। तो आपको क्या करना है, अवतार के सिंबल पे क्लिक करना है, यानी आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो सिंपली जब इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। जब इसको आप स्क्रॉल अप कीजिएगा यानी ऊपर थोड़ा कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा बटन रजिस्टर, आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। जब आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आप अगर इसमें ऑलरेडी कभी लॉगिन किए होंगे और उसका पासवर्ड वगैरह सेव होगा तो आपको यहाँ पे वो ऑलरेडी आएगा, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में ये खाली नज़र आएगा, कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। यहाँ पे यूज़र नेम डालने के लिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, तो आपको इसके अंदर में यूज़र नेम डाल देना है। याद रहे, इसके अंदर में जो भी यूज़र नेम डालिएगा अगर उसके अंदर में एरर आता है तो यूज़र नेम जो है वो ऑलरेडी लिया जा चुका है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर में टाइप करता हूँ MD, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ध्यान रहे, आप इसको स्मॉल में ही टाइप कीजिए, बेहतर होगा, MD इरफान। ठीक, और मैं जैसे ही पासवर्ड वाले सेक्शन में जाऊँगा वैसे यहाँ पे देखिए आपको एरर नज़र आ जाएगा कि यूज़र नेम MD इरफान नॉट अवेलेबल। अब आपको क्या करना है, MD इरफान मैं यहाँ पर डाल देता हूँ शेख। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, पासवर्ड वाले सेक्शन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिर भी ये भी बताएगा कि भाई MD इरफान शेख भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नंबर डाल दूँगा ताकि वो मुझे अवेलेबल मिल जाए। तो मैं यहाँ पे 2020 डाल दूँगा तो आप देखूँगा तो ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे सही का सिंबल आ गया, इसका मतलब ये सही है। अब आपके बाद में आपको क्या करना है, नीचे में पासवर्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, A B C D
1234, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। याद रहे पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग डालिएगा, स्ट्रॉन्ग मीन्स के आप इसके अंदर में पहला कैरेक्टर जो है, यानी पहला जो आप ABCD लिखिएगा उसके अंदर में, या फिर जो भी आप कैरेक्टर उसके अंदर में लिखते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, पहला कैपिटल डालिए या फिर बीच में भी कैपिटल डालिए, यानी कैपिटल स्मॉल का इस्तेमाल करके बनाना है। याद रहे आपको कोई भी ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी जैसे कि होता है हैश, वो सब जो होता है वो स्पेशल कैरेक्टर आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, आप वो मत डालिएगा, बाद में हो सकता है आपको एरर शो करे, ठीक, पासवर्ड वो सही नहीं होने की वजह से। तो इसके अंदर में आप सिर्फ कैरेक्टर्स और नंबर्स का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी ABCD A से Z तक जो भी इस्तेमाल करना है, A से Z तक उसको इस्तेमाल कीजिए, और 0 से 9 तक जो भी इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने पासवर्ड डाला ऊपर में ABCD 1234, इसमें भी मैं वही डाल देता हूँ, ए कैपिटल BCD 1234, जो पासवर्ड में आप ऊपर डालिएगा वही पासवर्ड नीचे भी डालिएगा। जैसे जैसे आप डालते जाइएगा ना, वैसे वैसे यहाँ पे सही का चेक आता जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें सही है। अब यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी एक चीज़ आप कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट पास्ट टाइम है, यहाँ पे व्हाट हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, तो आपको क्या करना है इसके अंदर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फादर, मैंने अपने हिसाब से आंसर डाल दिया, तो मेरा चाइल्डहुड हीरो जो है वो मेरे फादर है, तो मैंने डाल दिया उस हिसाब से। तो आपको भी इस हिसाब से चूज़ कर लेना, जो भी नाम डालना है वो यहाँ पे डाल दीजिए। ये तब काम आएगा जब आप बाय चांस पासवर्ड फॉरगेट कर जाएंगे भूल जाएंगे, उस टाइम पे ये आपको उसको रीसेट करने में आपको ये काम आएगा। तो आप ध्यान रहे कि ये आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने फादर डाल दिया। अब आपको यहाँ पे प्रीफर्ड लैंग्वेज जो है, प्रीफर्ड लैंग्वेज आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, प्रीफर्ड लैंग्वेज पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में कुछ ज़्यादा ही मतलब कि पुख्ता हिंदी हो जाता है ना, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा क्लियरली समझ में आ नहीं पाता है। वैसे मैं समझ लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट जो होता है, मुझे ज़्यादा ईजी लगता है वो इंग्लिश लगता है। तो आप प्रीफर्ड लैंग्वेज में आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चूज़ करना है। अब यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो आपको पर्सनल डिटेल्स डाल देना है यहाँ पे। तो फर्स्ट नेम में मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, तो मेरे आधार कार्ड के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आधार कार्ड में जिस तरीके से नाम है वही नाम आप यहाँ पर डालिए। जैसे यहाँ पर है जो वो है MOHMMD, आधार कार्ड में मेरा यही नाम है, और यहाँ पे इरफान मैंने ये डाल दिया। उसके बाद में शेख, मैंने शेख नहीं बल्कि उसमें आलम है, तो मैं यहाँ पे आलम डाल देता हूँ। यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए कि आपको क्या बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ अलर्ट क्या कहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप इनको ध्यान में रखिए कि प्लीज़ प्रोवाइड योर एग्जैक्ट नेम एज़ पर आधार टू अवेल आधार बेस्ड बेनिफिट्स ऑन IRCTC ई टिकटिंग वेबसाइट। जी हाँ, इसके अंदर में आधार बेस्ड कई सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आप यहाँ पे दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैंने कहा कि आधार कार्ड में जो नाम है उसी हिसाब से आप दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड में सिर्फ अब्दुल रहमान ही है, मान लीजिए अगर वहाँ पे सिर्फ दे रहा है कि मोहम्मद इरफान एक साथ में ही है, या फिर सिर्फ आप मोहम्मद इरफान डाल रहे हैं, या फिर सिर्फ इरफान ही इरफान है, सिर्फ इरफान है, तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम डालिए, सेकंड नेम लास्ट नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी मिडिल नेम लास्ट नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी जेंडर है आपको वो सेलेक्ट कर लीजिए कि आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यानी आप मर्द है तो मेल, या फिर बॉय है तो मेल, और उसके बाद में यानी लड़का है तो मेल डाल दीजिए, या फिर मर्द है तो मेल डाल दीजिए, और औरत या फिर लड़की है तो आपको फीमेल चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मेल चूज़ कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर में इस सेक्शन में क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में यहाँ पे आएगा पहला मंथ, तो आप यहाँ से मंथ चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ से जनवरी चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप ईयर साल चूज़ कर लीजिए किस साल में आप पैदा हुए थे, तो मैं यहाँ पर 2001 डाल देता हूँ, और यहाँ पर आप डे जो है वो चूज़ कर लीजिए, तो मैं 1 तारीख डाल देता हूँ, तो 1/1/2001 जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से डाल दिया। अब आपको आता है यहाँ पे ऑक्यूपेशन, क्या आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या कर रहे हैं फिलहाल में। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, यानी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल में। तो आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट, तो मैं तो फिलहाल में अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने अदर पर डाल दिया। आप इस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ये मैंने अपने हिसाब से मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो आपको भी यहाँ पे चूज़ कर लेना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट वहाँ पे चूज़ कर लीजिए, या फिर आप गवर्नमेंट कोई काम कर रहे तो उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। आप मैरिड या अनमैरिड है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो चूज करें या फिर मत चूज करें, लेकिन मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ अनमैरिड। अब आपको यहाँ पे कंट्री चूज कर लेना, तो कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया रहेगा, तो आप इंडिया ही रहने दीजिए। अब उसके बाद में ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। तो जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे कॉपी करूँगा और सिंपली मैं यहाँ से उसको पेस्ट कर दूंगा वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस पेस्ट कर दिया।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ISD मोबाइल नंबर जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है ISD मोबाइल, तो यहाँ पे 91 ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि आपने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। तो मैं यहाँ से मोबाइल नंबर चूज़ कर लेता हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मोबाइल नंबर जो है ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है, तो मैंने इसलिए मैंने डाला है यहाँ पे। तो इस मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे भी ये नंबर तो खैर ब्लर ही आपको नज़र आ रहा होगा, नंबर तो नज़र नहीं आ रहा होगा, खैर कोई नहीं। अब आपको क्या करना है, नेशनलिटी जो है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं नेशनलिटी चूज़ कर लेता हूँ। तो नेशनलिटी क्या है, तो सीधी सी बात है, इंडियन, आप इंडिया से हैं तो आपका नेशनलिटी भी जो इंडियन होंगे, तो फिर आपको यहाँ पे इंडियन चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे इंडिया आपको चूज़ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, नीचे में आपको रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपको यहाँ पे वो एड्रेस डाल देना है जिस पे एड्रेस पे आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद में स्ट्रीट जो है वो ऑप्शनल है, मैं इसको छोड़ दूँगा। उसके बाद में जो है एरिया लोकेलिटी भी ऑप्शनल है, मैं वैसे डाल देता हूँ ईस्ट चंपारण। और एरिया का जो पिन कोड है वो मैं डाल देता हूँ 84 54 15। और यहाँ पे जो स्टेट जो है वो आपको डाल देना है, ऑटोमेटिक वैसे स्टेट आ जाएगा। बस सिटी टाउन में आपको चूज़ कर लेना है, एक यहाँ पे इस चंपारण आएगा, जो भी एरिया का पिन कोड डालिएगा उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ से सिटी टाउन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको पोस्ट ऑफिस आएगा, पोस्ट ऑफिस आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डाल देना है, तो जो भी आपका फ़ोन नंबर है फिर से आप यहाँ पर डाल दीजिए वही फ़ोन नंबर नीचे में भी। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, उसी फ़ोन नंबर को, उसी कॉन्टैक्ट नंबर को, उसी मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद में कॉपी रेजिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, यानी आपका जो रेजिडेंस एड्रेस है उसी को आपको क्या करना है, इसके अंदर में डाल देना है, कॉपी रेजिडेंस टू ऑफिस एड्रेस में। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, मैंने इसको टाइप कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है आई एम नॉट अ रोबोट, आपको इसको चेक कर लेना है। जैसे आप इसको चेक कीजिएगा तो आपके पास में ये थोड़ा सा मतलब के क्या कहते हैं कि फेच करेगा और यहाँ पे बता देगा कि सही सही का सिंबल जैसे आ गया तो इसका मतलब ये सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है चेक का सिंबल, आपको इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद में आपको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर का बटन है, आप इसके ऊपर में क्लिक कर दीजिए। उससे पहले आप ऊपर से नीचे तक पूरा को एक बार चेक कर लीजिए कि आपने कोई जो भी इन्फॉर्मेशन डाला वो सही है या गलत है। उसको आप मतलब सही गलत कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा लगभग सही है, इसको बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। सिंपली आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बता रहा है कि योर ईमेल आईडी ये जो है एंड ISD मोबाइल नंबर जो ये है विल बी वेरीफाइड ऑन फर्स्ट लॉगिन। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे किसी भी एप्लीकेशन में या फिर नॉर्मली किसी भी ब्राउज़र में, तो यहाँ पे उसके ऊपर में OTP जाएगा, वो OTP को यहाँ पे डालना पड़ेगा दोनों में, तो इसलिए ये कन्फर्म कर रहा है। तो प्लीज़ इंश्योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आर करेक्ट, इसलिए पहले ये करेक्ट होना चाहिए तभी आप उसको ओपन कर पाइएगा, वरना फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल NRI यूज़र विद ISD कोड अदर देन 91 यू नीड टू पे रजिस्ट्रेशन फीस आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑन फर्स्ट लॉग इन प्रेस ओके टू कंटिन्यू और कैंसिल फॉर रिटर्न। ठीक है, तो अगर आप इंडिया से बाहर हैं किसी और कंट्री से तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंडिया से ही हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जब यहाँ पे फिर से बोल रहा है अच्छा ठीक है, वो आपका हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको पासवर्ड सेव करना है तो आप पासवर्ड को सेव कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली सेव कर लूँगा पासवर्ड को, कोई नहीं मेरा पासवर्ड सेव हो जाए। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए, थैंक यू यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। यहाँ पे यूज़र जो है वो है MD इरफान शेख 2020 रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय आवर सर्विसेज। और यहाँ पे है योर यूज़र रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मेल हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपके मेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है जो भी इन्फॉर्मेशन आपका, आप यहीं से लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहीं से लॉगिन करना आपको बताऊँगा, यहीं से आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपली क्लिक हियर पे मैंने क्लिक किया, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो आपके पास में कुछ ऊपर में इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके का मतलब के आएगा इसी के अंदर में ही डैशबोर्ड पे ही क्या कहते हैं कि जो ब्राउज़र है आप उसी ब्राउज़र में आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फोर लाइन्स नज़र आ रहा है आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। ठीक, जैसे आप फोर लाइन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे लॉगिन का बटन नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो पासवर्ड आपने अगर सेव कर रखा है तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे MD इरफान शेख 2020 आ गया, और पासवर्ड में जो है वो मैंने पासवर्ड डाल रखा था इसलिए ऑटोमेटिक वो फिल हो गया। अब यहाँ पे जो है आपको पूछा जा रहा है कि टाइप हेयर, यहाँ पे जो आपको कोड नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ आपको कैप्चा नज़र आएगा, कैरेक्टर्स नज़र आएगा, आपको इसको फिल करना है इसके अंदर में। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है 9DBFE ये मैंने टाइप कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लॉगिन साइन इन बटन पे क्लिक करना है। अगर बाय चांस आपको पासवर्ड के साथ ना करके सिंपली OTP के साथ में करना हो तो सिंपली आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड तो मुझे याद है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, साइन इन पे क्लिक कर दूँगा। आपको भी साइन इन पे क्लिक कर लेना है। तो आप साइन इन जैसे ही कीजिएगा तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे बता रहा है इनवैलिड कैप्चा, जो हाँ जी हाँ आपने कैप्चा जो वो सही से नहीं डाल रखा है, तो 7DE4C5 ये मैंने कैप्चा फिर से डाल दिया। अब मैं फिर से साइन इन पे क्लिक करूँगा तो ये साइन इन हो गया। अब इसके बाद में आपको एक वेरिफिकेशन मतलब कि वेरीफाई के लिए आपको OTP भेजना होगा हर एक नंबर पे, मतलब कि एक जो नंबर आपने दे रखा है उसके ऊपर में OTP जाएगा और ईमेल आईडी पे भी OTP जाएगा। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई मोबाइल विथ OTP आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए, OTP गया है, आप इसके अंदर में OTP डाल दीजिए। तो मैं इसके अंदर में OTP डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट द OTP कोड इसके ऊपर में क्लिक करना है, तो ये मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड। अब आपको क्या करना है, एक ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, तो आप ईमेल आईडी का OTP इसके अंदर में डाल दीजिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली पहले इसके ऊपर में क्लिक कर लेना है, वेरीफाई ईमेल आईडी विद OTP, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर उस OTP को डाल देना है, यानी ईमेल आईडी पर जो OTP गया है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपके ईमेल आईडी पर जो OTP गया होगा उस OTP को आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट द OTP कोड पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे वो आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा, ईमेल आईडी वेरीफाइड, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैक कर लेना है। जी हाँ, आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल का सिंबल नज़र आ रहा है आपको इसके ऊपर में क्लिक कर लेना है। सिंपली आप प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब आपको अगर चलो ठीक है प्रोफाइल पर अगर क्लिक कर रहे नहीं हो पा रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 4 lines आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है, इसके ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे जो है लॉगिन आप हैं यानी लॉग आउट आप इसको कर सकते हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे आप अपना अकाउंट के बारे में सारा चीज़ आप जान सकते हैं। अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है माई अकाउंट, आप इसके ऊपर में क्लिक करके आप अपने बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। तो बस अकाउंट आपका क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है कि आप जो एप्लीकेशन जो इस्तेमाल करेंगे, अगर एंड्रॉयड फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर में कैसे आप लॉगिन कर पाइएगा। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में चले जाइए, तो मैं सिंपली प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर में आने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, IRCTC सर्च करना है। क्या सर्च करना है, IRCTC, ये आप सर्च कीजिएगा तो आपके पास में ये आपको एप्लीकेशन नज़र आएगा, ये वाला एप्लीकेशन आपको नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, इसी जगह पर क्लिक करना है। आप इसी जगह पर जब क्लिक कीजिएगा तो इसे इंस्टॉल, अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का नज़र आएगा बटन, आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ओपन पे क्लिक करना है। सिंपली आप ओपन पे क्लिक कीजिए तो ये एप्लीकेशन को सिंपली आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो है वही अलर्ट आ रहा है, तो आप क्या कीजिए इसको पढ़ लीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। जब आप ओके पे क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऊपर में नज़र आएगा लॉगिन, आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर यूज़र नेम देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़र नेम जो है इसमें आपको यूज़र नेम डालना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ, MD Irfan Sheikh 2020। पासवर्ड में मैंने क्या डाल रखा था, तो जी हाँ ABCD1234। और यहाँ पे जो आपको कैप्चा नज़र आ रहा है आपको इस कैप्चे को फिल कर देना है, QFE Capital U Small U। अब आपको क्या करना है, लॉगिन बटन है आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में मतलब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये वेरीफाइंग यूज़र को जो है वेरीफाई कर रहा है। आपको यहाँ पे पासवर्ड सेव करने के लिए पूछेगा, तो आप इसको चाहे तो सेव कर सकते हो, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको पिन डालना जो आपको याद रहे, तो 2020 मैंने पिन डाल दिया। जो मैं जब भी आप एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा ना तो आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आप जो पिन जनरेट कीजिएगा इसी पिन को डाल दीजिएगा तो डायरेक्टली आप लॉगिन हो जाइएगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जो ऊपर में डाला वही नीचे में भी डाल दीजिए 2020। अब आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सिंपली जब आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बता रहा है कि रिमेंबर पिन,
प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर में यूज़ करने के लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपका लॉगिन हो गया। जी हाँ, अब आपका लॉगिन हो गया। माय अकाउंट में जाकर के आप अपने अकाउंट के बारे में डिटेल्स यहाँ पे जान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और एप्लीकेशन में कैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। पूरा मैंने लॉगिन करके ये बता दिया। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेगा कि किस तरीके से आप एक टिकट नॉर्मल टिकट निकाल सकते हैं, नॉर्मल टिकट जो है बुक कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या चाहे तो आप लिस्ट को जो है एक्सेस कर लीजिए, आई बटन पर आपको मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको पूरी IRCTC के मतलब जितने भी सर्विसेज हैं धीरे धीरे सारे सर्विसेज आपको मिलते रहेंगे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपने सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। अगर अभी तक आप अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को शुरू से फिर से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जितना दे रखा है, मतलब जिस तरीके से मैंने बता रखा है, वो इनफ है आपके लिए और आप आसानी से क्रिएट कर पाए होइएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर लिया। फिर भी अगर क्रिएट नहीं कर पाए हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि नो मतलब नॉट सक्सेसफुल, आप ये कमेंट कर दीजिए। और अगर आप अकाउंट सही से सक्सेसफुली क्रिएट कर पाए हैं तो आप सक्सेसफुल लिख दीजिए, इतना आपको लिख देना है। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। आप कमेंट बॉक्स में सिंपली कमेंट कीजिए और वहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आपको सारे सोशल नेटवर्क के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, चाहे वीडियो के द्वारा हो, चाहे वीडियो के थ्रू, चाहे आपको मैं चैटिंग के थ्रू यानी टेक्स्ट के थ्रू, जैसे भी मैं समझाने की कोशिश करूँ, यानी जो मुझे सही लगेगा कि मैं किस तरीके से आपको सही से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं उस तरीके से, उस रास्ते से मैं आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको करना क्या है, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। कोई ऐसे फ्रेंड्स होंगे आपके जिनको ज़रूरत होगी ऐसे वीडियोज़ की, तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आई बटन पर भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाइए और उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप इसके आने वाले जो भी फर्दर जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, ये काम कर लेना है। साथ में अगर पहली बार इस शक्ल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को जब आप प्रेस नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।